एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहचान। इट्स अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल, और आज की कॉन्वर्जेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने शुरुआत की थी पीआर इंडस्ट्री के नॉर्म्स जानने से। हमारे पास हैं द वन एंड ओनली द गुरु ऑफ पीआर एंड एडवोकेसी इन पाकिस्तान, सैयद जावेद इकबाल। लेकिन हमें जो अब बात करनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड वेरी क्लोज टू हिज हार्ट इज़ वेल। आज अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं तो बर्दाश्त का बड़ा फुकदान नज़र आता है। देयर इज़ वी आर लैकिंग इन टॉलरेंस, छोटी छोटी बातों पर, कभी फ़िरका बनाना बात पर, कभी ये बात कि आपका सूबा, आपकी जबान, इन चीज़ों पे हम तफरके में पड़े हुए हैं। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट जावेद साहब हैज़ टेकन, इट्स कॉल्ड द मॉडरेट्स, और 2003 में इस थिंक टैंक का इनेकाद किया गया है। और उस वक्त से अभी तक इसकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या इसका विजन है, जाए हमें थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। विजन तो इसका बड़ा सिंपल है और वो ये है कि स्ट्रेंथनिंग टॉलरेंस, इंटरफेथ हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं और इसका किसी सूबे से, किसी मुल्क से, किसी ख़ास सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। इट्स ए वेरी जनरलाइज्ड एंड इंटरनेशनली, मतलब हम टॉलरेंस की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ टॉलरेंस यहीं की नहीं करते, बल्कि मैं अभी लास्ट मंथ आई वाज इन स्टेट्स, तो मैंने वहाँ पे भी ये डिस्कशन जब हमारा हुआ तो हमने उनसे कहा कि टॉलरेंस की ज़रूरत आपको अपने एयरपोर्ट्स पर भी है। अमेरिकन को अभी हमने कहा कि वहाँ पर भी है कि अगर आप एक 85 साल के बूढ़े पे 6 कमांडो कूद जाएं और बंदूक उसकी तरफ कर दें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ थोड़ा आपको वहाँ भी दिखाना की ज़रूरत है। सो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू सोसाइटी सच एज आर्स, जो कि जनरली कहा जाता है कि जब मुसलमान कह लीजिए कि बड़ा टेररिज्म होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो उधर भी वैसे ही है, खबरें आपके सामने ही हैं जो हो रही हैं। कमिंग बैक टू कब तक क्या किया और क्यों किया था, मकसद सिर्फ इसका यही था कि मेरा आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं आपकी बात से मुकम्मल या किसी हद तक मुत्तफिक हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आपका हक मैं नहीं छीन सकता कि आप मेरे सामने वो बात कहें। इतनी मुझमें बर्दाश्त होनी चाहिए चाहे मैं उससे मुत्तफिक हो ना हो, और आप में भी इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप मेरी बात सुन सकें। तो हम दोनों माशरे के एक अफराद की हैसियत से जो है कहने तक तो बात अक्सर पहुँचती नहीं है, अक्सर अंदाज़े भी हम लगा रहे होते हैं कि आपके इस एक्ट से या आपकी इस बात से मेरा अंदाज़ा है कि शायद आप ये मानते हैं, और उसी पे हम अटैक कर देते हैं। जी, मफरूज़े के तौर पे, बिल्कुल आप सही कह रही। तो यही तो बात है कि हम जिस मज़हब की बात करते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, जहाँ पे टॉलरेंस का आलम यह है कि खुद हमारी नबी की ज़िंदगी जो है वो भरी हुई है ऐसी मिसालों से। सही। वो औरत किसको याद नहीं है जो कचरा फेंकती थी, तो कोई लड़ाई दंगा तो नहीं हुआ, बल्कि हुजूर खुद तशरीफ़ ले गए ये मालूम करने के लिए कि क्या बात है, आज वो आई नहीं, ये 3 दिन से उसने कूड़ा नहीं फेंका। तो ये है टॉलरेंस। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमारे जो दीनी हजरात जो हैं वो भी माशाल्लाह बातें तो सारी करते हैं, लेकिन बातें करने के बाद अमल उनका कुछ और हो जाता है, एक दूसरे को काफिर कहने लग जाते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो ये जो एक ऐसी चीज़ है, ये नेगेटिविटी है इसमें। और मैं बड़ा बड़े एहतराम से, बाज़ लोग ऐसे हैं जो वाकई बड़े आलिम हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो आलिम होने का दावा तो करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हमें ज़रूरत इस बात की कि जो लोग हैं जेन्युइन उनको आगे बढ़ना चाहिए। खामोशी जो है वो भी जुल्म है, खामोश अगर आप रहेंगी तो ये नीम रजामंदी होती है उस जुल्म के हिसाब से जो किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हक बात का आपने हमेशा साथ देना है, अगर आप कर सकें तो अपने हाथ से उसके ख़िलाफ़ जिहाद करें, अगर कह सकें तो कह सकें, लेकिन अगर कुछ नहीं है आखिरी उसका दर्जा ये है कि एटलीस्ट दिल में यकीन रखें कि ये बात गलत है। जय, इस बारे में क्या कहेंगे कि एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में सबके लिए कॉमन है कि बाकी तो हमारे बहुत सारे चीज़ों पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने इस बात पर मुत्तफिक होते हुए देखा है कि जी पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और स्पेशली मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई साजिश की जाए, कोई बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल किस्म की कॉन्स्पिरेसी है जो आपको जानबूझ के पीछे रखती है। हम कभी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं कि वो अगर मादनियात या हमारे मुल्क में जो ज़खायर हैं उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो शायद हमारी कोताही है। हम ये समझते हैं कि नहीं जी कोई बैरूनी ताकत है जो हमें रोके हुए। आप इससे किस हद तक? मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ सिद्धरा, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे। क्या ये आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है? अच्छा। मुत्तफिक इस बात से हूँ कि अच्छा। आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, रुझान है, और ये तो हमारे लिए सुसाइडल है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हर अपनी नफी कर दें, हर चीज़ का हम किसी और को जिम्मेदार ठहरा दें, मुझे और हम, आप तो दूसरे बातों की बात करती हैं, मैं तो खुद अपने माशरे के अंदर की भी बात करता हूँ। मुझे बताइए, हम जब गाड़ी चलाते हैं सिग्नल पे कौन सी, किस हुकूमत का हमें सपोर्ट चाहिए अगर बंद है तो रुकने के लिए, कौन सी हुकूमत का चाहिए, इसमें कौन सी इकोनॉमी आपको चाहिए, इसमें कौन सा GNP GDP चाहिए, इसमें कहाँ का पर कैपिटल इनकम चाहिए। भाई तो मेरी अपनी सोच है ना, या अगर कोई रोड क्रॉस करा, अगर मैं गाड़ी रोक लूँ तो इसमें किससे इजाज़त की ज़रूरत है? और हर चीज़ हुकूमत करे, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये माशरे का बजाय खुद एक काम है।
جو کہ کرنا چاہیے. یہ بہت آسان ہے کسی اور کو کہہ دینا کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. امریکی ہاتھ, ہندوستانی ہاتھ, اسرائیلی ہاتھ, یہ سارے ہیں, اور یہ سب یہ ہماری اصل میں کوتاہیاں ہیں جن کو ہم نے مختلف برانڈز دیے ہوئے ہیں. یہ ہماری کوتاہیوں کے برانڈز ہیں. کبھی ہم انہیں تلاش کر لیتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا, ہم تو بالکل ٹھیک تھے, یہ امریکی سازش ہے. امریکہ سے جب ہمارے حالات میں تھوڑی سی کشیدگی آئی تھی تو 3 یا 4 جو اسٹیپس لیے گئے کہ جی برن کانفرنس میں نہیں جایا جائے گا, اس کے علاوہ جو نیٹو سپلائی چین تھی وہ روکی گئی, اس کا فیصلہ کہ کب راستے کھلیں گے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کرے گی. اس طرح کے فیصلے پارلیمنٹ کو لینے چاہیے. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے, کیونکہ اس میں کلیکٹو کوہیسونیس آتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی کلیکٹو ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو آپ کسی خاص پارٹی کو یا وہ پارٹی جو ملک میں حکومت کر رہی ہے اس کو آپ مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتی, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا امپیکٹ آنے والی حکومتیں پر بھی پڑے گا. تو ایک تو ہونا چاہیے. لیکن جو سوال آپ شاید نہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں اور شاید پوچھنا بھی چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی میں وہ کون سے ادارے ہیں جن کا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان کی فوج وہ بہت اہم ہے, اور میں بڑے کھل کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جس طریقے سے آج, اور تھوڑا میرا اس پہ کچھ کام بھی میں نے کیا ہے, امریکہ کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, اس خطے کے حوالے سے, اٹ از ناٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اٹ از پینٹاگون دیٹ از آسکنگ. یہ جو ہماری جو چیزیں ہوئی ہیں کہ معافی مانگی جائے گی نہیں مانگی جائے گی, دس از پینٹاگون دیٹ از ڈوئنگ, اینڈ آئی کین سے دس ود اے سرٹن اماؤنٹ آف کانفیڈنس, اٹ از ناٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. حالانکہ کام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. اور ہمارا پاکستان میں جو ہمارے امبیسڈر تھے منٹر, وہ جو گئے 2 سال میں, انہوں نے کہا I'm exhausted. جی ہاں, اس کی وجہ یہی تھی. اسی طریقے سے کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. پاکستان ایک نظریاتی ملک ضرور ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیے تو اس کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ جو آنی چاہیے وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو, اینڈ وی نیڈ دیٹ, وی آر این ایٹامک پاور آلسو, وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, لیکن اس کے اندر پاکستان کی فوج کا سے بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ سیکیورٹی اورینٹیڈ فورن پالیسی ہے آپ کی. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ماشاء اللہ ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جس تعلیمی قابلیت کے لوگ بیٹھے ہیں بہت اچھے بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسوں کی ہے جن کو کچھ بھی نہیں معلوم, اور یہ میں بات آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں اور آپ انٹریکشن بھی آپ کا ہوتا ہے ان پہ, اٹ از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو پولیٹیشینس فرینکلی ان ٹرمز آف سیکیورٹی. اینڈ فورن پالیسی پہلا اس کا جو سنگ میل آتا ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. And each one of us is a stakeholder in that. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ as the fifth pillar اب میڈیا ایمرج کر رہا ہے, اس کیا کیا اس میں پورے اس سارے ایکویشن میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کیا رول ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.